हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। द प्रीस्ट ये एक मलयालम मूवी है जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हो चुकी है। ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 25 मिनट की और ये मलयालम लैंग्वेज विथ इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल है। खैर मूवी की कहानी फोकस करती है प्रीस्ट कारमेन बेनेडिक्ट जो कि प्रीस्ट प्लस डिटेक्टिव है। अब इनके पास एक लड़की एक ऐसे फैमिली के केस को लेके आती है जिस फैमिली में हर एक मेंबर सुसाइड कर रहा है और अब इस फैमिली यानी कि एलेट फैमिली में एक ही लेडी बची है जिसका नाम है एलिजाबेथ। तो अब ये प्रीस्ट इस पर्टिकुलर केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उसके बाद क्या कुछ चीज़ें रिवील होती है और बहुत सारे ऐसे सरप्राइज जो आपको मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, यानी कि इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। खैर अब बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की। तो यार फर्स्ट हाफ जब मैं इस मूवी का देख रहा था तो मुझे लगा यार ट्रेलर में तो कुछ और बता रहा था और मूवी कुछ और चल रही है, लेकिन यही तो है मलयालम फिल्म मेकर्स का कमाल। उनका जो एग्जीक्यूशन होता है या उनका स्टोरी बताने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है दूसरे पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज से। और इस पर्टिकुलर मूवी में भी एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो लोग ने स्टार्टिंग बहुत अच्छी की है और जैसे ही मूवी को आगे बढ़ा रहे थे वैसे वैसे वो जो ट्विस्ट रिवील हो रहे थे ना वो देख कर मज़ा आ रहा था। और इंटरवल से जस्ट पहले जो एक धमाकेदार ट्विस्ट है वहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ जो मैंने ट्रेलर में देखा था अब यहाँ से वो चीज़ शुरू हुई ना, यानी कि वो जो सुपर नेचुरल वाली जो बात थी ना वो देखकर मजा आया। हालांकि मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो लोग मेरे हिसाब से पास भी हुए और फेल भी हुए, क्योंकि हॉलीवुड में हमने इस तरह की मूवीज़ देखे है, नॉट सिमिलर बट हमने देखे है। बट यहाँ पर जो एक इंडियन टच दे के इस पर्टिकुलर मूवी को बनाया है या आपके हमने प्रेजेंट किया है वो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं अपना डिसीजन बताऊँ तो मुझे ये मूवी अच्छी लगी बट कम्प्लीटली ये मूवी अच्छी नहीं लगी। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊँगा। खैर अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है और जो एक इमोशनल टच उन कैरेक्टर्स में डाला ना वो आप लोग फील कर सकते हो इस मूवी के दौरान। सिनेमेटोग्राफी आउटस्टैंडिंग, जो लाइटिंग का यूज़ किया है और जिस तरह से जो एक्शंस बताए, हालांकि एक्शन में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ सीन्स ऐसे जहां पर आपको ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर से वो जंप मार रहे हैं, मतलब वो फनी सा लगता है, वो एकदम रियल नहीं लगता, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी अच्छी की गई है। लेकिन हाँ BGM की बात करो तो यार मलयालम मूवीज़ आर ऑलवेज बेस्ट इन दिस डिपार्टमेंट। उनके मूवी के सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते हैं, एकदम सोलफुल होते हैं, BGM बहुत रोमांस से भरपूर होता है और इस पर्टिकुलर मूवी में भी BGM ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार मेगा स्टार मम्मूती सर आपको इस पर्टिकुलर मूवी में देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहाँ पर पूरी तारीफ कर लेता तो यहाँ पर क्या करता। और मैं आपको बता दूं कि मम्मूती सर उन लेजेंड में से एक है जिनकी मूवीज़ का एक अपना चार्म होता है, एक उनका अपना अंदाज है और ऑडियंस उसी वजह से उनको इतना पसंद करती है और इसीलिए वो मेगा स्टार है। और द वे ही एक्ट इन दिस मूवी, हर एक सीन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया और जिस ठहराव से उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं और जो उनके एक्सप्रेशन थे, द वे ही वॉक्स इन द मूवी, दैट वॉज आउटस्टैंडिंग। और मंजू वॉरियर कहना पड़ेगा कि यार शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ साउथ, बट यहाँ पर उनका रोल कुछ इतना खास है नहीं, यानी कि इनफैक्ट लास्ट के 40 मिनट में उनकी एंट्री होती है एंड उसके बाद मूवी तो प्रिडिक्टेबल हो जाती है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा था बट उनके पास यहाँ पर करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इस वजह से मंजू वॉरियर के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर उनको यहाँ पर स्क्रीन टाइम ज़्यादा दी गई होती तो मे बी उनका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा निखर के आता। उसके अलावा और उस लिटिल गर्ल के बारे में इतना ही कह सकते हो कि यार बहुत जगह पर उसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा लगा देखकर, जो एक्सप्रेशन थे जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी यार मज़ा आ गया। लेकिन कुछ कुछ जगह पर वो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर रही थी, लेकिन इतनी सी बच्ची इतना भी कर ले वो बहुत बड़ी बात है। रेस्ट जितने भी सपोर्टिंग एक्टर थे सब लोगों ने अपने से काम को अच्छी तरह से निभाया। खैर आप बात करेंगे इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट की तो वो है सबसे पहले इस मूवी की कहानी। स्टार्टिंग में ये मूवी अच्छी तरह से आगे बढ़ी थी लेकिन उसके बाद जो ट्विस्ट रिवील हो रहे थे ना तो वो प्रेडिक्टेबिलिटी भी बढ़ते जा रही थी, यानी कि इसके बाद आप लोग आराम से प्रिडिक्ट कर लोगे कि यार अब ये होगा
अब ये होगा। और फिर लास्ट के 40 मिनट जहाँ पर मंजू वॉरियर की एंट्री हो गई, उसके बाद से तो ये मूवी पूरी तरह से एकदम ज़्यादा ही प्रेडिक्टेबल हो गई। हालांकि बोरिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार एंड तक यही हुआ होगा, और इनफैक्ट वही होता है। उसके अलावा जो लेंथ है इस मूवी की 2 घंटे 25 मिनट, आई फेल्ट वॉज बिट लॉन्ग बिकॉज इस मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो ऐसा लगता है कि यार मूवी को ड्रैग कर रहा है, और इसी हिसाब से मूवी की लेंथ मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो यार ये आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, इसमें कुछ भी एडल्ट सीन है नहीं। मैं मूवी को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। इट्स अ वॉचेबल मूवी। अब डिपेंड करता है कि आपको ये मूवी पसंद आती है या नहीं। मुझे बहुत अच्छी लगी और जो नेगेटिव था मैंने बता दिया। तो यार बस इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आपकी मर्जी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।